प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 134 स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एक मैय ऑफ वेरिएबिलिटी है इसको हम डेटा का जो स्प्रेड है उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि डाटा के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम सैम्पल का भी कंप्यूट कर सकते हैं हम पॉपुलेशन का भी कंप्यूट कर सकते हैं दोनों के लिए जो फार्मूले हैं

जो हम डाटा जो डील कर रहे हैं उसके अंदर कितना स्कोर है कितनी वैल्यूज हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है इसी तरीके से जब हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन निकालते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो इस स्लाइड के अंदर दिया गया है यहाँ पे जो सिग्मा है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन है जबकि जो समेशन है ये सम को रिप्रेजेंट करता है म्यू पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करता है जैसा कि पीछे स्लाइड के अंदर हमने देखा एक्स बार सैंपल के मीन को रिप्रेजेंट करता है जबकि म्यू पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करता है और एन अगेन यहां पे जो स्कोर है उसको रिफ्लेक्ट करता है अब इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे डाटा का स्प्रेड दिखाया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उसका रिलेशनशिप दिखाया गया है आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अगर जो डाटा है उसका spread, उसका स्प्रेड स्टैंडर्ड प्लस माइनस वन हो यानी प्लस माइनस वन के दरमियान में 68 परसेंट डाटा है जो कवर होता है और अगर जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो प्लस माइनस टू है तो ये तकरीबन 95 परसेंट डाटा को कवर करता है और अगर जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू प्लस माइनस थ्री हो यानी माइनस थ्री से प्लस थ्री के दरमियान में तकरीबन 99.7 परसेंट डाटा कवर होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या है ये डाटा की स्प्रेड को रिफ्लेक्ट करता है इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर जो डेटा स्प्रेड है वो कम है और पीक ज्यादा हाई है ये डाटा ये रिफ्लेक्ट करता है कि पे जो हमारा है उसका जो मीन है और इंडिविजुअल वैल्यूज उसके दरम्यान में डिफरेंस बहुत कम है और इसीलिए यहां पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो भी बहुत छोटी होगी जबकि जो दूसरा ग्राफ है जहां पे हाई स्टैंडर्ड एविएशन दिखाया गया है यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे कर्व डिफरेंट है यहां पे डाटा का स्प्रेड ज्यादा है यहां पे जो इस डाटा का मीन होगा उससे इंडिविजुअल वैल्यूज का जो डिफरेंस आएगा वो ज्यादा आएगा इसी वजह से यहां पे जो स्टैंडर्ड एवियशन की वैल्यू है वो हाई होगी तो स्टैंडर्ड एवियेशन की जो वैल्यू है यह हमें डाटा के स्प्रेड के बारे में बताती है यह मैयर ऑफ वेरिएबिलिटी है ज्यादा स्टैंडर्ड एविएशन होने का मतलब यह है कि डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है अगर डाटा नॉर्मल है तो उसका स्टैंडर्ड एविएशन कम होगा और अगर डेटा स्क्यूड है उसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज जिनको हम आउटलायर्स भी कहते हैं अगर वो ज्यादा है तो इस सूरत में डेटा का जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो ज्यादा होगा